खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपको सीधे रूस लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आपका दीर्घ दृष्टि, आपका विजन और इस क्षेत्र के विकास के लिए आपका कमिटमेंट, यानी जो लगाव में आपके हर शब्द में देख रहा था, ये अपने आप में प्रभावित करने वाला था। मैं फिर एक बार आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр. Бахат, 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 नागरिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किया, और मैं समझता हूँ कि तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय 36 घंटे के दौरे पर रूस में है प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। पुतिन के साथ वो जहाज से शिप बिल्डिंग प्लांट भी देखने पहुंचे और उसके बाद संबोधित करते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। ये देखिए आप तस्वीरें, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब जहाज से शिप बिल्डिंग देखने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीस घंटे के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप बॉडी लैंग्वेज देखिए इन दोनों लीडर्स की, दोस्ती का अंदाजा, अच्छे संबंधों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। रूस और भारत की दोस्ती जो है, जो मित्रता है, वो बहुत पुरानी है और बहुत प्रगाढ़ है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता, 36 घंटे के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिप बिल्डिंग प्लांट देखने भी पहुंचे, और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं। रूस के दो दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक फेडरेशन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, और नए निवेश लाने की कोशिश जरूर होगी। जिस तरीके से इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री की ये कोशिश जरूर होगी कि नए निवेश हिंदुस्तान आए रशिया के जरिए।